खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना तहसील मुख्यालय से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित नंदमहर धाम में मंगलवार से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगे मेले की तैयारी रविवार की रात से ही शुरू हो गई थी। मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमासी को यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। इसे नंदमहर बाबा का मेला कहा जाता है। इसे यादवों का महाकुंभ भी कहा जाता है। उस दिन वहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखते ही बनता है। सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, आजमगढ़, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि अनेक जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां हरि दर्शन हेतु आते हैं। एक अनुमान के अनुसार दो दिन तक चलने वाले इस यादव महाकुंभ में लगभग 1,00,000 श्रद्धालु शिरकत करते हैं। व्रत धारण किए हुए ओझा लोग यहाँ हर्ष उल्लास के साथ ढोल नगाड़ों की थापर, राजाबली और पंवरिया की पूजा करते हैं। दीपावली की भांति मिट्टी के बने दियों में जगमगाते दीप के द्वारा हवन कुंड को सजाया जाता है। तदुपरांत विधि पूर्वक हवन की जाती है। सभी पुजारियों का हवन कुंड अलग अलग होता है। सामूहिक रूप से हवन करने की प्रथा नहीं है। मंदिर के प्रांगण में भक्तों द्वारा राजाबली महाराजों और पवनडिया के नाम का निशान चढ़ाए जाने की परंपरा भी है। यह दृश्य उस दिन का मुख्य आकर्षण होता है। रंग बिरंगे कपड़ों से बने अनेक झंडियों वाले ध्वज या पताके को निशान कहा जाता है। निशान चढ़ाने के लिए भक्तगण मीलों पैदल चलकर हथेली पर प्रज्वलित दीप थामे राजबली महाराज के नाम का मंत्र गुनगुनाते नंदमहर धाम तक पहुंचते हैं। कंधों पर ध्वज उठाए हुए अन्य व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलकर आते हैं। काबिले गौर है कि इस दौरान रास्ते में ना तो ज्योति बुझने दी जाती है और न ही ध्वज को पृथ्वी पर रखने दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों ध्वज प्रति वर्ष यहाँ चढ़ाए जाते हैं। रंग बिरंगे लहराते झंडों से सजा नंदमहर धाम उस दिन बहुत शोभायमान होता है। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। केशवपुर, नारायणपुर, नंदियामा जैसे दर्जनों गांव बसाए, क्योंकि उस समय ये बहुत घना जंगल हुआ करता था और पहले यहाँ मिट्टी का चबूतरा बनाया गया। अगर हम इतिहास की बात माने तो 1956 में उस कच्चे चबूतरे को पक्का बड़ा सा मंदिर का रूप दिया गया और यहाँ राजा बलि की पूजा होती है। पूरे देश और प्रदेश के यदुवंशी दीपावली के दिन से राजा बलि की पूजा अपने अपने घरों में करते हैं। यहाँ आकर के उसका हवन और यज्ञ करने के बाद, नंद बाबा को झंडा चढ़ाने के बाद इनकी पूजा संपन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर झंडा चढ़ाने से, दीप जलाने से, पूजा करने से भूत प्रेत की बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। और इसके साथ ही एक मान्यता और भी है कि गाय और भैंस का दूध चढ़ाने से वो गाय और भैंस स्वस्थ रहती है और औसतन दूध ज़्यादा देने का काम करती है।